टेक महिंद्रा बालाइंस हमारा ट्रेड नहीं हो पाई क्योंकि ये जो स्टॉक था गैप ओपन हो गया था मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप चार्ट देख पा रहे होंगे मैंने आपके लिए चार्ट खोल दिया बाला का तो ये देखिए स्टॉक हमने जो बाइंग प्राइस इसकी रखी रखी थी थी वो रख, 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 रख थी, 910 की ये लाइन पे मैंने इसकी बाइंग प्राइस रखी थी और ये जो ओपन हुआ ये यहाँ पे ओपन हुआ ओपन होने के बाद इसने अपना गैप रिफिल भी नहीं किया यानी कि डाउन नहीं आया ये ऊपर ही बढ़ता रहा टेन ई एम यानी कि इतना टाइम टाइम मैं देता हूँ आपको टेन ई एम तक इसका गैप रिफिल हो जाए तो ठीक वरना आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे तो इसका टाइम टेन एम तक इसका गैप रिफिल नहीं हुआ गैप रिफिल हुआ तो इसका ग्यारह बजे वो भी इतना खास नहीं हुआ ये कि नाइन टू टेन तक ही इसने अपना लो लो बनाते हुए ऊपर चले गया तो अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो, तो एक बार ध्यान रखेगा मान लीजिए ये बाइंग की प्राइस है ये देखिए मान लीजिए ये बाइंग की प्राइस हमने दी है ये लाइन जो है और ये हमने शॉर्ट सेलिंग की प्राइस दी है तो अगर स्टॉक आपका गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन एम तक उस गैप के फिल होने के गैप फिल कैसे होगा ये जो स्टॉक है वो नीचे आएगा अप एंड डाउन करेगा यहाँ एक मिनट तक मिनिमम एक मिनट तक उसके बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और एकदम से नीचे आने के बाद एकदम डाउन जा रहा है शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो आप एक मिनट का वेट नहीं करेंगे डायरेक्ट उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं यही कंडीशन गैप डाउन ओपन होने के लिए बाइंग के लिए भी है सॉरी शॉर्ट सेलिंग के लिए भी है शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा कि स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा अप जाएगा यहाँ पे होल्ड लेगा एक मिनट का फिर दोबारा से नीचे आएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे एक मिनट का होल्ड नहीं लेता है तो आप इसे शॉर्ट सेल और डायरेक्ट ऊपर जाता है यानी कि बाइंग की तरफ गैप डाउन होने के बाद तो आप आप मिनट का होल लेने का होल्ड लेने वेट ना करते हुए इसे बाय कर सकते हैं तो ऐसे हमारा बाकी के ये जो आपको स्टॉक दिख रहे हैं ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में प्रोवाइड किए थे जिसमें बाइंग साइड कट पी में एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ था शॉर्ट सेलिंग के तीनों टारगेट प्राइसला में हमारा बाई साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गया था तो आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दो कॉल्स में यहाँ प्रोवाइड करता हूं मॉर्निंग में दो कॉल्स में टेलीग्राम चैनल पर तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी एट दिसंबर टू थाउंड ट्वेंटी के लिए जो स्टॉक्स के लेवल है पहला है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस अगर आप चाहते हैं कि आपको बिलो फाइव हंड्रेड या फिर फाइव हंड्रेड की रेंज में स्टॉक्स मिले तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा बाकी की डिटेल्स हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप न्यू ट्रेडर हैं आपको स्टॉक्स चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ श्री राम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस बाय सकते हैं जब ब्रेकआउट होगा थाउजेंड का टारगेट रहेगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ध्यान रखेंगे पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्माल स्ल रखता हूँ अगर स्टॉक किसी एंगल से मूवमेंट ना दे पाए गैप अपन हो उसके बाद दोबारा से लेवल ब्रेकआउट कर ये हमारी बाई की प्राइस जो है एक्टिवेट हो और आपको टारगेट तक फर्स्ट टारगे प्राइस तक ही ये स्टॉक जाए इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइज हमेशा स्मॉल देता हूँ क्या पता ऐसा हो सकता है ज्यादा पॉइंट्स का टारगेट रख के अगर स्टॉक मूवमेंट ना दे रहा हो फ्लैट मार्केट पे चल रहा हो तो आपको लॉस हो सकता है इसलिए पहला टारगेट प्राइस में हमेशा स्मॉल ही देता हूँ शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है वो है नाइन एटी नाइन का स्टॉप लॉस रहेगा नाइन 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 का टारगेट रहेगा नाइन एटी फाइव एज यूजल पहला टारगेट प्राइस स्माल रहेगा नाइन सेवन फाइव तीसरा रहेगा नाइन रहे सिक्स ध्यान रखेंगे नाइन एटी नाइन का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे नाइन एटी एट पॉइंट नाइन जीरो तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे अगला स्टॉक है हमारा राउट जिस बाइक चलेंगे ब्रेकआउट होगा इलेवन हंड एंड ट्वेंटी का रह 1115 रहेगा टारगेट रहेगा 1130, 1140 एंड थर्टी हंड्रेड फोर्टी और 1115 हंड्रेड एंड फिफ्टीन का आपका शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1110 हंड्रेड एंड टेन का इसमें रखेंगे इलेवन हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट नाइन जीरो शॉर्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका एलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी का टारगेट रहेगा 1105, एंड फाइव सॉन थाउजेंड एंड नाइन्टी फाइव और वन थाउजेंड एटी फाइव का ध्यान रखेंगे ये जो साइड का आपका ऐसा लिट कैसे होगा जब इससे नीचे जाने लगे वाले जो मैंने स्टॉप लॉस दिया इससे नीचे जाने लगे वाली यानी कि इलेवन हंड्रेड फोर्टीन पे पॉइंट नाइन जीरो जब होने लगेगी वैल्यू तब अपना एस एल हट मार्केट रेट से आएंगे और शॉर्ट सेलिंग का एस एल हिट तब मानेंगे जब इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी से ऊपर जाने लगी वीलिए एग्जैक्ट इस स्टॉप लॉस पे आप अपना एस एल हिट नहीं मानेंगे और एक्जैक्ट जो मैंने बाइंग प्राइस दिया या शॉर्ट सेलिंग प्राइस दिया उस पर आप बाई या शॉर्ट सेल नहीं करेंगे बाकी डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में मैं कॉल दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप में आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल्स हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे अगर बिलो फाइव हंड्रेड इन इन द रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड आपको स्टॉक्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ